1977 में चुनाव होने के बाद में मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने भारत के, और प्रधानमंत्री बनते ही मोरारजी देसाई ने एक जेसी शाह कमीशन बनाया। आपातकाल में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी टॉर्चर लोग किए गए, या आपातकाल की स्थिति की जांच करने के लिए, एक तरीके से बोला जाता है मोरारजी देसाई सरकार का, या जो जनता पार्टी सरकार थी उसका पूरा फोकस इंदिरा गांधी को उत्तरदायी या इंदिरा गांधी को कानून के कटघरे में लाने में चला गया। अच्छा, इसका फ़ायदा मिला, इन्होंने जेसी शाह कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी को अरेस्ट भी किया गया और उससे इंदिरा गांधी को सिंपैथी मिलने लगी। इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया कि इनकी सरकार का मकसद है इंदिरा हटाओ, हमारा मेरा काम है कि गरीबी हटाओ, ठीक है, और वो अलग सिस्टम पूरा शुरू हो गया। मोरारजी देसाई की सरकार में जो एक दो काम हुए, एक तो भारत के संविधान का जो 44वां संशोधन किया गया, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था उसको हटाया गया था इस सरकार में 78 में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़, मोरारजी देसाई की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें बड़े विवाद हैं, कई सारी चीज़ें जो थी वो जो उस समय नहीं होनी चाहिए थी। जैसे मोरारजी देसाई जो थे वो गांधीवादी बोले जाते थे शुरुआत से, तो उन्होंने ओपनली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करनी शुरू की कि भारत एक न्यूक्लियर देश नहीं बनेगा। फिर से पाकिस्तान से बात करनी तो शुरू की इन्होंने, लेकिन ये ओपनली बोलने लगे कि भारत परमाणु संपन्न देश नहीं बनेगा, भारत में जो खुफिया एजेंसी है रॉ है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसी इनकी कुछ घोषणाएँ थी जिससे बोला जाता है कि भारत की जो खासकर पाकिस्तान के साथ में जो नीति थी इनकी वो थोड़ा अलग थी बाकी प्रधानमंत्रियों से। इनके टाइम पे जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, क्योंकि सम्मिलित सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार फॉरेन मिनिस्टर बने थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने पहला हिंदी में स्पीच दिया, तो जनता सरकार कुछ खास कर नहीं पाई अपने टेन्योर में, और जनता सरकार में ही मतभेद होने लगे, क्योंकि ये सम्मिलित सरकार थी कई दलों के मिलने से जो बनी थी, और उसमें खासकर जो चौधरी चरण सिंह थे, राज नारायण थे, ये लोग जो थे ये मोरारजी देसाई थोड़ा प्रो वेस्ट थे, मतलब यूएसएसआर यूएस अमेरिका की तरफ झुकाव था, ये लिबरल इकोनॉमी की बात करते थे, मार्केट को खोलने की बात इन्होंने की। तो जो बाकी के जो समाजवादी लोग थे भारत में, वो लोग उन लोगों ने जनता के बीच में कहना शुरू किया कि ये सरकार अमीरों की सरकार है, अमीरों की तरफ ध्यान दे रही है, गरीबी या गरीबों से जुड़ी हुई नीतियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो उन्होंने पार्टी जो जनता सरकार थी उसके समर्थन अपना वापस ले लिया। अच्छा, समर्थन वापस ले लिया तो फिर कांग्रेस के सपोर्ट से, कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई इंदिरा गांधी, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट से एक नई सरकार बनी, और वो सरकार थी चौधरी चरण सिंह की। अच्छा, ये भी कोई सरकार कोई लंबे समय तक चली नहीं चौधरी चरण सिंह की, कांग्रेस को जैसे ही सही मौका मिला कांग्रेस ने इनसे भी समर्थन खींच लिया, चुनाव करवा लिए, ठीक है, चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, सिर्फ 5 या 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। ये चौधरी चरण सिंह एक बहुत बड़ा नाम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, भारतीय क्रांति दल नाम से एक पार्टी इन्होंने बनाई थी, और ये किसान नेता माने जाते थे। उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म्स इन्होंने जो भूमि सुधार किए थे चौधरी चरण सिंह ने, और इन्होंने सरकार बनाई। सरकार कुछ खास काम नहीं कर पाई, मैंने बताया, क्योंकि सरकार को समय ही नहीं मिला, और कांग्रेस ने अपना सही टाइम देखने पर तुरंत समर्थन वापस ले लिया। लेकिन चौधरी चरण सिंह के बारे में देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को इनके जन्म तिथि में, चौधरी चरण सिंह की किसान घाट भी है, जो इनकी समाधि स्थल दिल्ली में किसान घाट के नाम से फेमस है। और 1980 में भारत में फिर से चुनाव हो गया और इंदिरा गांधी फिर से वापस आ गई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने, मैंने बताया था कि उन्होंने बोला कि जनता पार्टी तो इंदिरा हटाओ पे काम कर रही है, उसका और कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करना चाहती है। और उनका मकसद क्या है, इंदिरा गांधी कहती है कि हमारा मकसद है गरीबी हटाओ, और इंदिरा गांधी वापस आ गई। अगली अब तो खड़े रहना पड़े।